वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक है क्योंकि मेरे साथ आप लोग जैसे बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। तो गाइस, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनको देखे बिना रहा भी नहीं जाता है और जिनको बोले बिना भी रहा नहीं जाता है। हाँ, डेफिनेटली ऐसे लोग हैं मेरे साथ, कोई बात नहीं, बहुत हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग को फेस भी करना होता है। जो लोग अभी हमको बोल रहे हैं ना, इतना पैसा लेती है, US वालों से इतना पैसा ली और भिखारी है, ये है वो है, तो वो लोग से हम पूछना चाहेंगे, ये भीख आप हमको दिए, पैसा आप हमको दिए, कितना दिए? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख? जिसको खुद 50 रुपया किसी को देने का औकात नहीं होता है ना, वो दूसरे को यही बोलता है, ठीक है। और रहा बात मेरा, तो मेरा क्या है, कैसे है, क्या है, हम किसको कितना क्या करते हैं, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे पास जितना रहता है उसके हिसाब से हम क्या हेल्प करते हैं। तो हम पहले भी ये चीज़ बोले हैं कि हम हर चीज़ नहीं दिखाते हैं, कुछ कुछ अभी इधर के दिन में हम दिखाना शुरू कर दिए, नहीं तो हर कुछ हम दिखाना, अगर किसी का हेल्प भी करते हैं ना तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको दिखा के करें। दूसरा बात, सेकेंड चीज़ ये कि हम खुलेआम ये चीज़ इसलिए भी बताएं कि सारा कुछ बड़ी मम्मी बड़े पापा कर रहे हैं, कि आप लोग को हम ये चीज़ बता रखे हैं कि कुछ पैसा, जैसे कि कुछ कर्ज भी था, कुछ बैंक का ख़त्म हुआ, कुछ इधर उधर का था वो ख़त्म हुआ, अभी एक दो लोग का था तो वो भी हमको ख़त्म करना था। अभी अगर मेरे पास इतना पैसा होता, मतलब जितना घर में इन्वेस्ट हुआ, तो हम सबसे पहले वो पैसा उनको दे करके ख़त्म करते हैं, जो कर्ज है वो ख़त्म करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ और करते हैं, क्योंकि मेरे लिए पहला काम वही था। लेकिन ये इस चीज़ में जो पैसा लगा वो मेरा नहीं था, वो बड़ी मम्मी बड़े पापा का था, और हम उनसे मांगने नहीं गए, हम उनको नहीं बोले कि हमको अपने घर में ये काम कराना है बड़ी मम्मी या फिर वो काम कराना है बड़े पापा, नहीं, वो हमको अपना, अब किसी को ये चीज़ देख करके जलन हो रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एकदम जो बोला जाता है ना कि बात खरा खरी बोलना, वही हम बता रहे हैं। कुछ लोगों को देख करके तो जलन होगा ना, बिल्कुल होगा, होना वो क्या उसको बोलते हैं, जायज़ भी है कि शिवानी के पास तो इतना था नहीं और आज के डेट में उसको कोई इतना कैसे कर रहा है, तो लोग आते हैं अपना भड़ास निकाल के चले जाते हैं, तो उससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सुन लीजिए, नहीं पड़ेगा घंटा फर्क, इसलिए नहीं पड़ेगा ना क्योंकि ये आदमी झेल करके यहाँ तक भी पहुँचा है, और अगर उस लायक भगवान हमको ऊपर वाला इस लायक समझा कि मेरे पास बड़ी मम्मी बड़े पापा जैसे लोग दिए और वो खुद अपने से ये चीज़ बोले थे खुद कि घर का पेंट वेंट, घर का रेनोवेशन करते हैं हम लोग, ये चीज़ हम नहीं बोले थे, हम तो सोचे भी नहीं थे कि इतना कुछ घर में हो भी जाएगा। लेकिन गाइस पता है एक चीज़ हम क्या नोटिस किया है कि कुछ लोग ना कभी खुश नहीं हो सकते हैं, कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। जब यही घर खराब था, ठीक है, तो लोग बोलते थे अरे कैसा घर है, हम तो एक ग्लास पानी भी नहीं पी सकते घर का, बेसिन के पास देखो कितना गंदा रहता है, किचन देखो कितना गंदा रहता है, फ्लोर देखो कितना गंदा रहता है, ठीक है, तो उस समय ये नेगेटिव कमेंट्स करते थे। आज जब सब कुछ नया हो गया, अभी भी इन ऐसे लोगों का नेगेटिव कमेंट्स ही आता है कि अरे ये तो ये लेती है, अरे ये तो वो लेती है, तो हमको कोई दे नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, हम सबको थैंक यू बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको सब लोग मेरे घर आकर के पहुंचा करके जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम मतलब घमंड या फिर अकड़ में बोल रहे हैं,
अगर आप किसी को बुरा बोल रहे हैं तो बुरा सुनने का भी आप में ताकत हिम्मत होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जैसे मेरा दिल है, जैसे मेरा दिमाग है, जैसे आपको बुरा लग सकता है तो वैसे हमको भी बुरा लगता है ना, ठीक है? और हमको कोई दे नहीं दे रहा है, और वो लोग कर रहे हैं, बड़ी मम्मी बड़े पापा वो लोग हैं जो मेरे अपने लोग हैं। बड़ी मम्मी बड़े पापा रागनी जी वो लोग मेरा फैमिली, वो लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। अब जैसे मेरे मम्मी पापा छोटी मम्मी छोटे पापा, वैसे बड़ी मम्मी बड़े पापा हैं। हाँ, और ये चीज़ वो लोग हमको यकीन दिलाए हैं। हमको भी यकीन नहीं होता था ये चीज़, हमको भी यकीन नहीं था कि कोई बिना मतलब के किसी के लिए कोई इतना कर सकता है। हमको तो एक रती यकीन नहीं था। इवन जब पहली बार मेरे पास रागनी जी का मैसेज आया था ना कि हम मौली के लिए कुछ भेजना चाहते हैं, हम देख करके इग्नोर कर दिए थे कि कोई होगा ऐसे ही बोल रहा होगा, कोई क्यों करेगा किसी के लिए, मेरे दिमाग में भी यही था। लेकिन जब किसी इंसान का किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव लगाव या फिर कुछ पास्ट लाइफ का कुछ वैसा होता है रिलेशन, तभी कोई किसी के लिए इतना ज़्यादा कर सकता है। तो बिल्कुल अभी हम लोग का है तभी, नहीं तो आप लोग खुद भी देखिए ना, जो यहाँ पे मेरे सपोर्टर्स हैं, जो पॉजिटिव कमेंट्स जिनका आता है, जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, तो आप खुद ही देखिए क्या कोई इतना कर सकता है। यहाँ भी लोगों को यकीन नहीं है ना, सेम हमको भी नहीं था, लेकिन है। अगर हमको अभी कुछ तबीयत वबीयत ख़राब या फिर कुछ भी अगर हमको प्रॉब्लम होता है ना, तकलीफ़ बड़ी मम्मी को होता है, तकलीफ़ बड़े पापा को होता है, तकलीफ रागनी जी को होता है, ऐसा वाला कनेक्शन। और हाँ, इसलिए तो हम बोलते हैं कि हम बहुत ब्लेस्ड है, हम बहुत खुशनसीब है, हम बहुत लकी है, बहुत भाग्यवान है, हम बहुत भाग्यशाली है। और भगवान हमको जितना दिया, या मेरे लाइफ में कभी कोई ऊंच नीच दिया या फिर आज हमको यहाँ तक लाया, हम हर चीज़ के लिए भगवान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक यू सो मच, आप जो किए आप बहुत अच्छा किए, आप जो भी किए, तो यही बात है। तो हाँ, कुछ लोग को तो किसी भी चीज़ में खुशी नहीं है, नो डाउट ऐसा होता है। खैर, फिर भी कोई बात नहीं। फिलहाल गई अभी घर का काम तो लगा ही हुआ है, और अभी आंगन का काम चल रहा था, तो आज मेरा नहाना धोना भी कैंसिल हो गया है। मे भी हम शाम को नहाएं। और अभी आज मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, 25 तारीख है आज, 25 अप्रैल। तो आज हम लोग मे भी ऐसे तो बाहर का ही खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मम्मी पापा को बोले ना कि हम लोग के घर के बगल में एक रेस्टोरेंट है, तो हम बोले कि हम लोग वहाँ चल चलेंगे शाम को, तो थोड़ा बहुत कुछ वहाँ से खा लेंगे बस, तो अच्छा लगेगा। यही यार, एक चीज़ और बोलेंगे, किसी को देख के इतना मत जलो यार कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा होना होना तो वो भी बुरा हो जाए, मत जलो। अगर किसी का खुशी देख करके खुशी नहीं भी हो सकता है तो कम से कम चुप तो रहो। हमको पता है कि हर कोई हर किसी का खुशी देख करके खुश नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर सामने वाला बहुत रिच भी है तो भी देख करके लोगों को तकलीफ होता है कि अरे वो इतना पैसा वाला कैसे है, तो वो उस लायक है, ये तो समझो, वो उस लायक है तभी उसको इतना मिला है। ये हम अपने लिए नहीं बोल रहे, हम और लोगों के लिए भी बोल रहे हैं। आज जो करोड़पति जो अरबपति लोग हैं तो वो उस लायक हैं तभी उनको मिला है, उनका पास्ट लाइफ में अच्छा कर्म रहा होगा, मेहनती हैं वो, वेल डिसिप्लिन्ड हैं तो मिल रहा है। यहाँ पे तो कुछ कुछ लोग का नेचर होता है कि साला नहीं है तो भी और है तो भी, मतलब अजीब किस्म का, मतलब समझ नहीं आता है देख करके उनको, और पता नहीं क्यों जलन ही होता है। खैर, ऐसे लोग का कुछ नहीं हो सकता है, हम कितना भी बोल ले कुछ नहीं हो सकता है। तो जिसको जो समझ में आए वो बोलेगा, मेरा एक काम है हम करेंगे, बाकी जयराम जी की फिलहाल चले, काम देखने कहाँ तक हुआ है। तो गई अभी पता है रात हो गया है, और हम लोग ना मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं, बस एक केक मंगवाया है, क्योंकि जाना था, सोचे थे रेस्टोरेंट जाएंगे लेकिन अभी नहीं जाएंगे। मेरे ना होंठ पे कुछ काट दिया, कैसे फूल गया, कैसा लग रहा है,
तो अभी हाथ धो करके और मम्मी पापा का केक कटवाते हैं। इतना काम लगा हुआ है ना गाइस, पता है एक तो भूत जैसे खुद ही बने हुए, कितना हालत खराब है, तो मन नहीं किया कहीं बाहर जाने का। बोले अब जो है इसी में मैनेज कर लिया जाएगा, फिर अगले साल देखा जाएगा, अगले साल अच्छे से कटवाएंगे। उसके बाद गाइस ये था रात का 11 बज रहा था और केक वेक का तो कुछ वैसा था नहीं सीन, फिर भी बहुत रात को हम लोग केक मम्मी पापा के लिए कटवाए, और मतलब मम्मी पापा से केक कटवाए, केक आया। और उसके बाद ये वाला कौन सा रूम है गेस करके बताइएगा, और ये पूरा तो नहीं आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन हाँ ये अभी कुछ भी इसमें डेकोरेशन नहीं हुआ है, इसमें इवन अभी कुछ कुछ बहुत काम भी लगा हुआ है, पेंटिंग लगना बाकी है और कुछ डेकोरेशन होना भी बाकी है, तो ऐसा। तो गाइस हम लोग पता है रात को ना और लोगों को बुला भी नहीं पाए, जैसे छोटी मिलों को भी, भाभी लोग किसी को नहीं बुलाए, क्योंकि बहुत रात हो गया था और सब लोग जल्दी सो जाते हैं, 10-10:30 बजे तक सब लोग सो जाते हैं, तो इसीलिए फिर हम लोग ऐसे ही मम्मी पापा का एक केक कटवाना तो ज़रूरी था ना। इस बार मम्मी को कुछ भी हम लोग दिए भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी ऐसे ही खुश रहती है, मम्मी छोटी मम्मी बड़ी मम्मी सब ऐसे ही खुश रहती है। पता है माँ लोगों को कुछ चाहिए नहीं होता है ना, बस उनको प्यार चाहिए होता है अपना बच्चा लोग से, तो सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। के बाद मम्मी पापा को यहाँ बैठाए और केक निकाले, केक कटवाए, मम्मी पापा का हैप्पी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ। मतलब ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, मतलब ना बचने का उम्मीद था, लेकिन आज मम्मी पापा साथ में हैं, तो ये बहुत बड़ा बात है। मम्मी पापा की शादी का 31 ईयर्स कंप्लीट हो गया आजकल के टाइम में गाइस, मतलब आदमी लोग मतलब कपल्स 5 या 10 साल भी साथ में नहीं रह पाते हैं, और यहाँ पे मतलब पहले के लोग गए शादी निभाना जानते थे, और पहले शादी टिकता भी था, अब तो हलवा पूड़ी हो गया है, ब्याह शादी करो छोड़ो पकड़ो, बहुत ये सब हलवा पूड़ी हो गया, अब ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, पहले के टाइम में ये टैबू हुआ करता था ऐसा। उसके बाद हुआ हम यहाँ पे सेलिब्रेशन, केक बहुत टेस्टी था गाइस, किस फ्लेवर का केक था आप कमेंट करके बताइए, यहाँ पर दिख रहा होगा, इतना टेस्टी केक था ना क्या ये बोले। मौली का एज़ यूजुअल केक लेकर के मुंह में डालना, मतलब केक कटने से पहले, तो मम्मी पापा बोले कि अरे ये बच्चा है, ये हम लोग का बच्चा है, पूरा भी केक खाएगी ना तो हम लोग को खुशी होगा ऐसा, तो हम बोले चलो ठीक है, हर जगह मतलब चल जाता है, लेकिन अपने घर में चल जाता है और कहीं नहीं चलेगा ऐसा। उसके बाद गाइस मौली यहाँ पर बहुत खुश थी, वो नाना जी नानी जी का केक कटवाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा। और पता गाइस ये हम बच्चों का फर्ज है, अगर बड़ों के बीच में मान लीजिए कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ तो वो बच्चे मिलकर के उसको बच्चे जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं, चाहे किसी घर के बच्चे हैं, हम लोग हैं और भी लोग हैं मेरे जैसे, तो अगर बड़ों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है ना तो छोटे ये कोशिश करें कि वो ख़त्म हो सके, और अपने माँ बाप के लिए तो स्टैंड लेना ही चाहिए, जहाँ गलत हो वहाँ गलत बोलना चाहिए गाइस, जहाँ सही हो वहाँ सही बोलना चाहिए, ऐसा मेरा तो यही थिंकिंग है। तो अभी पता है मौली को देखिएगा, ये इतना खुश होकर के अभी उठी थी ना नाना जी नानी जी को केक दे नाइफ देने के लिए कि प्लीज़ आप लोग काटिए केक और आओ ना नानी हैप्पी एनिवर्सरी, थोड़ा अजीब ही तरीके से तोतला आवाज में बोलती है ना, तो बोल के इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद गाइस आप लोग इन्जॉय कीजिए ब्लॉग, ऐसे ही पूरा दिन बीता काम करवा के घर में, और फिर रात को केक कट के हम लोग खाना खा के और फिर हम लोग सो गए थे, और कुछ नहीं था ज़्यादा कुछ, यही था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरा ब्लॉग डेली आता है। और एक चीज़ गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे घर का रिनोवेशन हो रहा है, तो हम आप लोग से सजेशन मांगे हैं कि जिनका भी सजेशन होम डेकोरेशन के लिए सबसे ज़्यादा सही लगेगा और जिनका सबसे ज़्यादा कमेंट होगा उनके एड्रेस पे हमारे तरफ से एक गिफ्ट जाएगा, और वो ज़रूर जाएगा, तो वो हम लोग ऐसे 3 या 4 लोग को ऐसे पिक करेंगे और उनके घर पे हम लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर भेजेंगे, और वो भी हम ब्लॉग में दिखाएंगे, तो ऐसा है। तो भर भर के अपना कमेंट कीजिए, अपना वैल्यूएबल सजेशन दीजिए, और इसी तरह प्यार बनाए रखिए गाइस, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग भी मेरे एक परिवार हैं, फैमिली है, और हमेशा मेरा साथ दिए हैं, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और ऊपर वाला तो है ही अपने साथ। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तेरी याद है मेरे पास पिया, तेरी दीद को नैना तरसे।
तेरी याद है मेरे पास पिया, तेरी दीद को नैना तरसे, तुम बिन तड़पे घबराए जिया, तेरी याद में अखियां बरसे, है लंबी जुदाई लंबा सफर और दर्द।